जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पवित्र छेड़ी यात्रा का जो कि समापन समारोह है यहाँ पे, पवित्र छेड़ी यात्रा 17 अगस्त को यहाँ से श्री दशामी पार से होता और आने के लिए यहाँ से गए थे। तो ये अध्यक्ष जो कि स्वामी जी महाराज जी के हमारे मेंटर्स के 93 फ्रेंड ब्रिगेड के जो कि पंद्र सुदन साहब हो या सचिव पुंज हो या सचिव मंडी सुरेंद्र जी हो या हो गए यहाँ पे पवित्र श्री जगमोनी अखाड़ा पुंज में पहुंची है। मैं सबका स्वागत करता हूँ। मंच पे बैठे हुए डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर पहुंच के हूँ बल बल तो हुआ पाओ कोई रब का प्यारा भगत आमने पुष्टा नाल वो प्यार अगे पिछवा वारो वार वो मरता रहेगा जमता रहेगा 84 को होगी रोग मां यीशु श्रावण मास मांग रूपक कि 12 महीनों में जो श्रावण का महीना है वो मेरा ही रूप है। इस बार उन्होंने टूणा कहा महाराज की तीन मंत्रों से आपका इस मास में सिमरन भजन किया जाए। तो उन्होंने कहा प्रण रूप पंचाक्षरी मंत्र आपका भाईचारा है प्रेम है देश विचारियां भी उसके भक्तन भक्तन हजार रुपए आई है। यहाँ लोगों ने भक्त सब देखा 65 देखा 71 देखा 91 देखा उसके बावजूद यहाँ देखे मैं बहुत हैरान हूँ। जो भी स्वामी जी ने मुझे कहा है जो टाइम दिया है निकलने का चाहे वो छड़ी के निकलने का टाइम था या छड़ी के वापिस आने का टाइम था सुबह 7:30 बजे का टाइम था तो स्वामी जी 7 बजे मंदिर में आ चुके थे। बहुत बड़ी बात है इस देश में इतना कमिटमेंट इतने लोगों को संभालना इतना ऑर्गेनाइज करना मैं स्वामी जी को सर से नमन करता हूँ। इसके लिए वो कार्य कर सकते हैं जो किसी देवता ने भी नहीं किया हो। सस्तन बिल वशे मैं देवै दंड गुरुवे नमः। वाणी को पवित्र करने के लिए रघुपति राज राजा दंपति पावन सीताराम आजाद मेजर साहब की मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया मंच पे आए तो अपना प्रसाद ग्रहण करें। अनुरोध करता हूँ चीफ मेडिकल ऑफिसर पूछ डॉक्टर दुर्गा अहमद साहब से जिन्होंने जो कि बीजी नर्सिस दी उनके साथ जो की ड्यूटी चीफ सरदार गुरबाग सिंह जी भी आ रहे हैं। मेरे यहाँ पे हैं आदर मजीद सकीब साहब नरेश चंद्र जी अवतार जगदीश लाल जी बलराम शर्मा जी राजू जी जो कि राज से हैं सुषमा जी वीना रानी जी रेखा शर्मा जी पवित्र छेड़ी यात्रा दोबारा जो कि बूढ़ा अमरनाथ जी से श्री दशनामी खड़ा मंदिर पूंछ में लाएगी क्योंकि एक पूंछ की एक रिवायत है
की जो कि एक पवित्र छड़ी यात्रा रक्षाबंधन से दो दिन पहले स्वामी जी महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ से बूढ़ा अमरनाथ जी को प्रस्थान करती है। उसके बाद जो कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम जब समाप्त होता है उसके बाद जो कि पवित्र छड़ी यात्रा दोबारा दशनामी अखाड़ा मंदिर पुंछ में ला के स्थापित की जाती है। आज के इस दिन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, स्वामी जी महाराज द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। तो मैं एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे शाना बिशाना जो कि कंधे से कंधा मिला के इस पवित्र छड़ी यात्रा और इस बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को कामयाब करने में अपना सहयोग किया। हाँ जी, जैसे कि पहले परंपरा प्राचीन चली आ रही थी उसी के अनुसार छड़ी यात्रा जहाँ से प्रदोष को बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए रवाना हुई, बहुत अच्छे ढंग से लोग भक्तों ने बड़ा आनंद से यात्रा की। वहाँ पर तीन दिन स्थापित की गई बूढ़ा अमरनाथ जी शिवलिंग के ऊपर पहले की परंपरा है, वहीं पे पूजन होता रहा। बाद में कल रक्षाबंधन के दिन बड़े उत्साह के साथ वहाँ पर लोगों ने दर्शन किए, यज्ञ भंडारा हुआ, ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद आज वापस श्री दशनामी अखाड़ा में छड़ी स्थापित की गई है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ हो, मंगल हो, सबके अंदर द्वेष समाप्त हो, आपसी भाईचारा हो, एकता हो, देश विदेश के अंदर भी शांति बहाल हो। भगवान शिव से हम ये प्रार्थना करते हैं।